गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग थर्ड असाइनमेंट हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 3 वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब के बारे में पढ़ने से पहले हम इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ब क्या है। तो हमारा ये जो शरीर है ये कैसे बना है? हमारा जो ये शरीर है ये विभिन्न अंगों से मिलकर बने हैं, जैसे हमारे हाथ, पैर, सर, गर्दन, ये विभिन्न अंगों से मिलकर बने हैं। ये जो अंग है विभिन्न हड्डी और मांसपेशियों से मिलकर बने हैं, और जो ये हड्डी और मांसपेशियां हैं ये सभी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर का जो अंग है वो सबसे बड़ी इकाई है, और जो कोशिकाएं हैं वो सबसे छोटी इकाई है। ठीक उसी प्रकार से भाषा में भाषा वाक्यों से मिलकर बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो इस प्रकार वाक्य हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई है और वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। तो इस प्रकार वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे वर्ण के प्रकार के बारे में। तो हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं, जैसे आ आ, ई ई, उ उ, री, ए ओ औ, ये सभी स्वर है और इनकी संख्या 11 होती है। लेकिन अब अंग और अ इसको भी स्वर वर्ण में जोड़ दिया गया है, इसकी गिनती अब हम स्वर वर्ण के अंतर्गत करते हैं। अंग और अ इसे हम हिंदी में अयोगवा भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कुल 35 होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग से लेकर ह तक, ये सभी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब ड और ढ इसको भी अब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत मिला दिया गया है, इसकी गिनती अब हम व्यंजन वर्ण में करते हैं, इसलिए इसकी अब कुल संख्या 33 ना होकर 35 हो गई है। पहले इसकी संख्या 33 थी, पर ड और ढ को मिलाकर इसकी संख्या 35 हो गई है। आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? तो संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के योग से बनते हैं, दो वर्णों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे क जोड़ श, क भी एक व्यंजन है, श भी एक व्यंजन है। दोनों व्यंजन को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तब एक नया व्यंजन बनता है छ। उसी प्रकार से ता में रा जोड़ेंगे तो त्रा बनता है, ज में या जोड़ेंगे तो ग्या बनता है, और शा में रा जोड़ेंगे तो श्रा बनता है। तो इन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब मात्राएं, सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती है, जैसे अ अ, ई ई, उ उ, री, ए ओ औ, इन सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती है और उन मात्राओं को हम इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन जो छोटी आ है इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लिखते हैं। शेष जितने भी स्वर हैं सभी की मात्राएं होती है और उन मात्राओं को हम इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरा हलन, हलन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है?
जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क का में जब हम का बोलते हैं तो उसमें अ भी साथ में आता है, इसका मतलब इसमें आ की मात्रा छिपी हुई है। जब क से हम आ को जब अलग करते हैं, जैसे क क जोड़ अ, का से जब हम आ को अलग कर दिए तब यहां का के नीचे हलंत आ जाएगा। जब किसी वर्ण में हलंत किसी वर्ण में मात्रा के साथ लिखते हैं तो वहां हलंत नहीं लगता है, जब मात्रा को जब हम अलग कर देते हैं तब उसके नीचे हलंत लगता है। अब यहां हमें ध्यान देना है कि यहां का के बाद यहां किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, का के बाद किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, इसका मतलब यहां पे कौन सी आ लगी थी, छोटी आ की मात्रा लगी थी। यहां पे है क अका के बाद अकार की मात्रा है, इसका मतलब यहां पे बड़ी आ की मात्रा है। तो जब का से हम बड़ी आ की मात्रा को जब हम अलग करेंगे, यहां अलग करने के बाद यहां का के नीचे हलंत की मात्रा लगा देते हैं, तो इस प्रकार हलंत का प्रयोग किया जाता है। नीचे है रा में छोटी उ और बड़ी उ की मात्रा, रा में हम छोटी उ और बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो जब रा में छोटी उ का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे यहां पे हमें रा लिखा, रा में इस प्रकार से लगाकर हम छोटी उ की मात्रा लिखते हैं, रा में बड़ी उ की मात्रा, रा लिखने के बाद बड़ी उ की मात्रा को लगाने के लिए हम रा में सबसे पहले एक छोटी सी लकीर यहां पे खींचेंगे और बड़ी उ की मात्रा को हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से छोटी उ की मात्रा और बड़ी उ की मात्रा का प्रयोग रा में हम लोग करते हैं। आगे है अनुस्वर, अनुस्वर के चिन्ह को हम इस प्रकार से लिखते हैं, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगाकर। अनुस्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा केवल हमारे नाक से निकलती है, जैसे कंस अंग लंगूर, तो जो नाक का जो प्रयोग हो रहा है वो हमारे नाक से निकल रहा है। दूसरा है अनुनासिक, अनुनासिक के चिन्ह को हम इस प्रकार से लिखते हैं, शिरोरेखा के ऊपर आधा चांद और बिंदु लगाकर। अनुस्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसकी जो ध्वनि निकलती है हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं, जैसे आंख चांद, आंख और चांद जब हम बोलते हैं तो इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो हमारे मुंह और हमारे नाक दोनों से निकलती है। तीसरा है विसर्ग, विसर्ग के चिन्ह को हम इस प्रकार से लिखते हैं, दो बिंदु लगाकर। ये खास तौर से संस्कृत भाषा से लिया गया है। विसर्ग का जब प्रयोग करते हैं, विसर्ग का प्रयोग हमेशा हा की तरह होता है, जैसे प्रात, प्रात हम यहां लिखे, प्रात के बाद जब हम यहां विसर्ग की मात्रा लगाएंगे तो इसको हम हा की तरह पढ़ेंगे, जैसे प्रात में विसर्ग लगाए तो यह बन गया आपका प्रता, उसी तरह अत में विसर्ग लगाए तो यह बन गया अतः, और स्वत में विसर्ग लगाए तो यह बन गया स्वतः। तो जो विसर्ग का प्रयोग हो रहा है वो हा की तरह हो रहा है, प्रथम अतः स्वतः। अपराध के विभिन्न रूप, रात को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक टेढ़ी लाइन डालकर, एक पाई लगाकर और रेत की मात्रा लगाकर हम रा की मात्रा को लिखते हैं। तो ये था पाठ वर्ण, अब इससे कुछ लिखित कार्य आपको पीडीएफ में मिलेंगे, इसे आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से उतारेंगे और याद करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।